महत्त्वाची बातमी बुलेटिनच्या सुरुवातीलाच आपण पाहणार आहोत. पाटण्यामध्ये विरोधकांची बैठक पार पडलेली असून देशातल्या सर्व विरोधकांनी आता भाजपच्या विरोधात दंड थोपटल्याचं दिसतंय. पाटण्यात झालेल्या बैठकीत 15 पक्षांचे प्रमुख सहभागी झालेले होते. यावेळेला सर्व नेत्यांनी लोकसभा निवडणूक ही एकत्र लढण्याचा निर्णय घेतल्याचं म्हटलेलं आहे. दुसरीकडे विरोधक किमान समान कार्यक्रमावर निवडणूक लढवणार असल्याची माहिती देण्यात आलेली आहे. आम्ही एक आहोत, एकत्र लढणार या सूत्रावर ही निवडणूक लढवली जाणार असल्याचं ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलंय. विरोधकांची पुढची बैठक शिमल्यात होणार असल्याची माहिती नितीश कुमार यांनी दिलेली आहे. काफी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है. देश को बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता कायम रखने के लिए हम एक साथ आए हैं और इसके आगे जब भी जो भी हमारे देश के प्रजातंत्र पर आघात करेगा उसका हम सब मिलकर विरोध करेंगे. और जैसे ममता दीदी ने कहा, हमेशा यह कहा जाता है कि विपक्ष की एकता होगी कि नहीं होगी. मैं तो हमें अपने आप को विपक्ष तो मानता ही नहीं हूँ. हाँ, विपक्ष जरूर जो भी देशद्रोही है और जो भी देश में तानाशाही लाना चाहते हैं उसके विरोध में हम रहेंगे, जरूर रहेंगे. और आज से शुरुआत हुई है, मुझे पक्का भरोसा है जब शुरुआत अच्छी होती है तो आगे सब कुछ अच्छा होता है. पटना में मीटिंग मैंने बोला था इसी के लिए नीतीश जी को कि पटना से जो शुरू होता है उसका एक जन आंदोलन रूप होता है. तीन चीज नजदीक में है जो रिजोल्व हुआ है. नंबर वन, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है. दूसरी बात है, वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे. तीसरी बात ये हुआ है कि हमारा लड़ाई, हमको अपोजिशन मत बोलो, हम लोग भी देश का सिटीजन है. हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है. मैंने मीटिंग में भी कहा यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं. हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे. समाज की एकता होश ये कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों का, अब इससे सामना कर रहा हो तो इनका सामना करना चाहिए. बाकी कुछ न कुछ बदले ये उठ सकते हैं और लार्जर नेशनल इंटरेस्ट के लिए बाकी कोई भी आपस की समस्या हो वो नजरअंदाज छोड़कर हमने आगे जाने का तय किया है. कई आंदोलन यहाँ से देश में शुरू हो गई और देश के इतिहास में इसका स्वीकार किया गया और आज की स्थिति में जो नीतीश जी ने नीति बुलाई और सब साथी यहाँ आ गए, इनमें से जो बातें हो गई, जो तय करने का इस पर हमने बहस किया, इसका आखिरी शेर सिंधिया की नीति में हो जाएगा. और यहाँ जब मिलकर काम करने का तय किया है, इससे हमारा एक नया रास्ता दिखाने का काम शुरू हुआ है. मुझे पूरा विश्वास है देश की जनता उसका समर्थन करेगी.